क्या पढ़ रहे हो? कॉमर्स। अच्छा, मतलब बी कॉम? नहीं, अच्छा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बी कॉम बोलते हैं, यहाँ लोग कॉमर्स बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता उसका मतलब क्या है। लाइक व्हाट इज योर डिग्री कॉल्ड? दैट इज आफ्टर 12th। अभी तो यू आर इन 12th, तो जब मैंने बोला स्कूल में है, 12th में कॉलेज, बड़ा आया अमरीका साला, है हाई स्कूल साला, बोर्ड दिए नहीं है अभी, बेल्टें पढ़ती होंगी इसको अभी, आई एम इन कॉलेज। अच्छा तो अभी तुम स्कूल में हो यार, ये कॉलेज नहीं होता, प्लीज, ये मुंबई में होता ना जो 11th 12th को कॉलेज, और इसको क्या बोलते हैं, हाई क्या बोलते हैं, जूनियर कॉलेज, और नॉर्मल कॉलेज को सीनियर कॉलेज। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का जो लड़का होता है ना, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट आदमी दुनिया में नहीं है। वो पता नहीं किस बात के लिए कॉन्फिडेंट है, बट है। सुबह सुबह हॉस्टल से निकलता है, वो लड़की चाहिए। कैसे चाहिए? तुझे IIT भी था। ये वो लड़कियां होती हैं जो जिम इसलिए आती हैं। सब ठीक तो बढ़ रहा है। और हम जैसी लड़कियां? समझो किसी लड़के का 8-10-15 साल पहले ब्रेकअप हुआ होगा, लेकिन आज भी दोस्तों शराब पीने बैठेगा ना, तो हर बार की बकचोदी सेम है। पहले 3-4 तक जनरल बकचोदी, सुट्टा लेने चले गोवा चलते हैं, और गोवा का नाम आते ना तो गुरु का सबसे शरीफ आदमी बुरा जानता है, क्यों जाना गोवा है, क्यों क्यों, और थोड़े पैसे में लगे बैंका की चल। हर ग्रुप में होता है एक हवस का पुजारी, जिंदगी में एक बार यात्रा करनी है उसे बैंकॉक की, तब वरना आत्म शांति नहीं मिलेगी उसकी। एक तो पेशेंस नहीं है लोगों में बिल्कुल भी। रेड लाइट पे खड़ी थी मेरी गाड़ी, वो ग्रीन हुई, थोड़ा टाइम लग गया मुझे गाड़ी बढ़ने, पीछे वाले ने ठोक दी। मैंने बोला भाई इतनी जल्दी थी साइड से निकाल लेता। कहता बहुत जल्दी है मुझे, और चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा ले वरना तेरी गांड मार दूंगा। अच्छा मतलब उतना टाइम है तेरे पास। साइड से नहीं निकालेगा। मैं तो क्रिकेट, मेरे लिए तो मैं 10 साल पहले क्रिकेट देखना छोड़ दिया था आज से। मैं कह यार वो खेल रहे हैं, हमें क्या। हमें को मुझे क्रिकेट ही ऐसा स्पोर्ट देखना होगा तो मैं ग्राउंड में आके बच्चों को देख लूंगा, वो ज्यादा एंटरटेनिंग है। वो आउट होता है, बैट्समैन बैठ ले घर चल जाता है। तो ये हुई ना बात, जिस दिन विराट कोहली स्टेडियम में अपनी मम्मी बुला लाया, मैं देख रहा हूँ क्रिकेट बाप। ये है, ये तुम्हारे ग्रुप का डूड लौंडा लग रहा है। ये डूड होते दिल्ली में भी ऐसे हैं लौंडे, मतलब ये लोग जागरण में भी बैठे होते ना तो बाकी लोग जय माता, ये लोग नहीं, लोग जय माता जय माता जय माता, माता रानी का शेर इनको त्रिशूल मारता कि चुप करेगा, बाहर निकल यहां से। तुम क्या करते हो दोस्त? काफी तुम वैसे हो तो, तुम मॉडलिंग तो नहीं कर रहे ना मुंबई में? नो इंग्लिश इंग्लिश। पूरे ग्रुप में कितना फर्क है, ये इकलौता लौंडा लग रहा है साउथ बॉम्बे का, और ये सारे नाले सुपाड़े लग रहे हैं, पता नहीं। Like I had to go to Nasik once, right? And I didn't know how to go there, so I was taking a flight till Bombay. मैं तो रास्ते में किसी से पूछ लेंगे। And there was a girl sitting next to me. मैं कहा इससे पूछते। एक अंकल भी थे, मैं कहा इससे कौन बात कर रहा है? तो मैं कहा excuse me, are you from Bombay? कहा no, I'm from South Bombay. Okay. How do you get to Nasik? कहा simple, you get off at the airport and take a cab till Nasik. ये कैसा सोल्यूशन है? ऐसे तो मुझे न्यूयॉर्क का रास्ता पता है। She's from South Bombay, so I can't blame her completely also, really. No, because she has no idea about problems like lack of money. Because she just assumed कि पैसे तो होंगे इसके पास, पैसे सबके पास होते हैं।
इसको शायद कैब्स का ना पता हो. ये लोग क्या मैं व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर्स आर यू ऑल? मैंने सुना है कुछ तो कर रहे हैं ये लोग. व्हाट अबाउट यू? ईएनटी सर्जन. हाँ वो मेरे को पता काटने का है ना. वो मेरा भी वही काम है मैम, बट मेटाफोरिकली काटता है मैं. आप लिटरली काट रहे हो. मुझे फ्रेंकली आइडिया भी नहीं था कि एमिटी लॉ भी करवाता है. गुड, इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट. हाँ, इंजीनियरिंग एमबीए तक फिर भी समझ में आता है. लॉयर्स डॉक्टर्स सीरियस प्रोफेशन होते हैं. एमिटी को लाउड नहीं होना चाहिए सब करने के लिए. कैन यू इवन इमेजिन अ सर्जन फ्रॉम एमिटी? गुड, मेरी छाती में गोली लगी हो ना, मैं तब भी मना कर दूं उसे कि भाई रहने दे, इतना कोई खास दर्द तो नहीं हो रहा. ठीक ही लग रहा है मेरे को. खून की पिचकारी तो निकल रही है बस. तो एक काम कर, डेटॉल डाल के पट्टी कर दे.